What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 1 नवंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 7:59 हो रहे हैं। आज हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, हालांकि नया मंथ शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो क्या इस महीने भी ये निफ्टी में तेजी बरकरार रहेगी, कहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और कहां पर सपोर्ट के लेवल्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 31 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आरसी पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था वो बन रहा था 11,890 के पास, और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,817 के पास। तो यह 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसी के पास ओपन हुआ, और टूवर्ड्स जैसे ही नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 11,917 ये अचीव्ड हुआ, और ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ तो फिर से ब्रेकआउट लेवल का यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, और सेकेंड टारगेट 11,937 भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। तो कल के प्लान के मुताबिक ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में गिरावट देखने को मिली, दोनों भी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट में भी साफ प्रेशर देखने को मिला, सभी इंडेक्स चाहे फिर वो लंदन मार्केट का हो या फिर फ्रांस या जर्मन मार्केट हो, वहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिला। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, और चाइना और हांगकांग मार्केट बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 57 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, और एसजीएक्स निफ्टी में हल्का सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 10 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, अभी इसका जो 76.4% का लेवल है ये अचीव हो चुका है, और ये अभी इस वक्त जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल था यहाँ पर, तो इसी लेवल के पास अभी निफ्टी इंडेक्स पहुँच चुका है। हमने पास्ट में देखा था कि यहाँ पर एक प्रेशर बना था और डिस्ट्रीब्यूशन जोन इसे कहा जा सकता है, और यहाँ से एक फॉल देखने को मिला था। तो अभी क्या इस लेवल से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है? स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है, वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है वो एक्सट्रीम बुलिश है। हालांकि ये जो रैली देखने को मिली है हमें अपसाइड, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो वो नॉर्मल होगा, प्रॉफिट बुकिंग होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से कुछ करेक्शन आने के बाद ये जो 11,700 है लेवल, यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि इसी लेवल के पास यहाँ पर पास्ट में इसने स्विंग हाई बनाया था। जहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है वहाँ पर फ्यूचर में जाके ये सपोर्ट टेस्ट करता है। तो हो सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आए तो 11,700 फर्स्ट सपोर्ट है, वहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो, या फिर ये और करेक्शन टूवर्ड्स 20 EMA ये जो है ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। पास्ट में आप देख सकते हैं ये ऊपर गया निफ्टी इंडेक्स, फिर नीचे आके 20 EMA का इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक हुआ। तो अगर ये नीचे की तरफ भी अगर आता है तो फर्स्ट 11,700 का सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट, और उसके बाद ये 20 EMA जहाँ पर ये अभी 11,400 के पास है ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, अभी डेली चार्ट में चलते हैं। अगर डेली चार्ट में अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर हायर हाई हायर लोज का पैटर्न बन रहा है। हायर हाई हायर लोज यानी प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो है इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये बुलिश है, लेकिन लास्ट 2 दिन से अगर आप ये कैंडल देखें तो जैसे कि पैटर्न बुलिश है लेकिन ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, वीक कैंडल बन रहा है।
जहां पर ओपन हो रहा है उसके नीचे आके क्लोज हो रहा है। कल यहां पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, सिग्नल था लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था। कल भी ओपन हुआ ऊपर की तरफ और जहां पर यह ओपन का लेवल था उसके नीचे आके क्लोज हुआ, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो लास्ट टू डेज से ये वीक कैंडल यहाँ पर बन रहे, तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो। तो ये जो डोजी कैंडलस्टिक बना है ये इवनिंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक बन सकता है। अगर यहाँ पर ऐसे अगर बियरिश कैंडलस्टिक अगर यहाँ पर ऐसे बनता है तो इवनिंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्लियर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन ये जो करेक्शन आएगा इसे हम अभी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो नीचे क्या सपोर्ट लेवल्स होंगे एज पर डेली चार्ट, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करते हैं, अगर ये हाई मान ले यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो ये लो और ये हाई को पकड़ के हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया है तो 11,743 ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। उसके बाद 38.2% का यानी 11,618 ये हमारा सेकेंड सपोर्ट यानी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर करेक्शन आता है तो। 11,600 के पास पास्ट में एज पर डेली चार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अपसाइड जबरदस्त मूव आया था इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और एक करेक्शन दिखाया था। तो जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अभी यहाँ पर फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर सकता है। तो फर्स्ट 11,743 ये सपोर्ट का काम कर सकता है और नेक्स्ट 11,618 ये हमारा सेकेंड सपोर्ट लाइन होगा। तो अभी लॉन्ग जाने के लिए ये जो कैंडल बना है डोजी कैंडल बना है ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया तो 11,945 के ऊपर अगर डिसीजिव मूव आता है तो ये हम ओवरनाइट पोजीशन के लिए लॉन्ग यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अभी फिलहाल अगर ये कैंडल देखे तो इंडिकेशन है कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए थी हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ वो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का हमने एनालिसिस किया, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले अगर प्राइस एक्शन और RSI को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। कैसे, यहाँ पर प्राइस एक्शन में देखें आप तो ऊपर यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, ऊपर यहाँ पर ये हायर हाईज बन रहे हैं प्राइस एक्शन में, हायर हाईज बन रहे हैं यहाँ पर भी RSI में हायर हाईज बन रहे थे लेकिन ये जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पर प्राइस एक्शन में तो हायर हाई बना है लेकिन RSI में यहाँ पर लोअर हाई बना है, यहाँ पर ये लोअर हाई बना है। तो RSI लोअर हाई दिखा रहा है और प्राइस एक्शन हायर हाई दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट मूव प्राइस एक्शन ने भी यहाँ से एक फॉल दिखाया है, प्राइस में करेक्शन दिखाया है। तो हो सकता है ये करेक्शन अभी और भी बढ़े। फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट होगा एज पर आर्ली चार्ट वो 20 EMA का होगा जो अभी फिलहाल 11,833 के पास है। तो आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं और इसे मैं जूम कर देता हूँ। तो ये कल डोजी फॉर्मेशन हुआ है, लास्ट हाफ एन आवर का जो कैंडलस्टिक है यहाँ पर भी डोजी फॉर्मेशन हुआ है। इसके लो के नीचे अगर चला जाता है तो तुरंत S1 का पिवट पॉइंट का सपोर्ट लेवल है, उसके यहाँ पर ही 20 EMA का। तो अगर ये 20 EMA को क्लियरली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ यानी अगर ये 11,833 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा टारगेट होगा क्विकली 11,816 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,802 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो डोजी कैंडलस्टिक है इसका हाई अगर ब्रेक होता है यानी 11,897 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,920 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,945 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये है निफ्टी के आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।